गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतः सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तर भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवात्सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री कृष्ण बल्लभ मंदिर इस्कान वृंदावन में नरसिंह चतुर्दशी के महा पुण्य दिन के ऊपर सारी कांग्रीगेशन पुनः भगवान के दर्शन के लिए पधारी है। आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। सातवां स्कंद विशेष रूप से नरसिंहदेव के अवतार का जो है मुख्य स्कंद है, उसका शुभ आरंभ होता है एक प्रश्न से, और वो प्रश्न है परीक्षित महाराज का कि भगवान पक्षपात करते हैं, तरफदारी करते हैं, असुरों को मरवा देते हैं और देवताओं और भक्तों का रक्षण करते हैं। ये इस प्रश्न से सातवां स्कंद शुरू होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि भगवान पक्षपात करते हैं, और इसका उत्तर है सातवें स्कंद में के भगवान सबके साथ समान है। जो भक्ति करता है उसका भरण पोषण तो सबका करते हैं, जो भक्ति करता है उसका रक्षण करते हैं। भगवान भरण पोषण सबका करते हैं, परंतु रक्षण उसका करते हैं जो उनका शरणागत भक्त है। और उत्तर क्या है कि भगवान पक्षपात नहीं करते हैं इसका? दैत्य हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद के लिए नरसिंह देव ने अवतार ले लिया, तो आप कैसे कहते हो कि भगवान असुरों के साथ अन्याय करते हैं? असुर का पुत्र था ना प्रहलाद, उसके लिए भगवान ने अवतार लिया, तो कहाँ भगवान पक्षपात करते हैं? तो मुख्य जो सिद्धांत ये है कि भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, जो उनका शरण लेता है उनकी रक्षा करते हैं, वो दैत हो या दानव हो, पशु हो या पक्षी हो, जो भगवान के शरण में गया उसका रक्षण होता है।
और यही प्रहलाद महाराज की शिक्षा का पहला, ये प्रहलाद महाराज एक महाजन है, उनकी शिक्षा का जो पहला सूत्र है हरि शरणम व्रजेत, हरि के शरण में जाना चाहिए। तो पहला सिद्धांत क्या आज स्थापित हुआ, हमने समझा भगवान किसी से पक्षपात नहीं करते, जो शरण लेता है उसका रक्षण करते। भगवान ने कहीं ये नहीं कहा है कि कोई सन्यासी या ब्राह्मण मेरा शरण ले, जो भी शरण ले, ये खुला सबको भगवान का निमंत्रण है। तो ये हुआ पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत नरसिंहदेव का प्रकट्य किसके लिए हुआ, हम एक श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, अगर यहाँ दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं, पांचवा स्कंद 18वां अध्याय और 7वां श्लोक, 5, 18, 7, ये है हरिवर्ष का वर्णन, जहाँ नरसिंहदेव भगवान के अर्च विग्रह की उपासना आज भी प्रहलाद महाराज अपने वर्ष के अन्य नागरिकों को साथ कर रहे हैं। इसमें क्या बताया जा रहा है, आप यहाँ लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, मैं पढ़, हरि वर्षे चापि भगवान नर हरि रूपेण, 5, 18, 7, हरि वर्ष में भगवान नर हरि के रूप में, केशव धा नर हरि रूपा, केशव धृता नर हरि रूपा, तो ये नर हरि के रूप में कहाँ विराजते हैं, हरि वर्ष में। कहाँ है ये हरि वर्ष, इसी जम्बू द्वीप में जिसमें हम रह रहे हैं, हम भारत वर्ष में रह रहे हैं और ये हरि वर्ष में है। जैसे हम रह रहे हैं, मानो कि इस वक्त भारत में कोई ऑस्ट्रेलिया में रहता है, कोई अमेरिका में रहता है, तो ऐसे जम्बू द्वीप में और भी 8 वर्ष हैं, जो धरती के ऊपर स्वर्ग हैं उनमें एक हरि वर्ष है, और इन सारे 9 वर्षों में जम्बू द्वीप में भगवान नारायण की उपासना होती है, सब में भगवान का आराधना होती है। अब लिखा है कि वहाँ नर हरि के लिए तदरूप ग्रहण निमित्तम, उस भगवान के रूप के लेने का कारण क्या था, निमित्त कौन था, किसके लिए किया, भाई नरसिंह देव ने अवतार किसके लिए लिया, बोला उसके रूप ये धारण करने का निमित्त क्या था। अब यहाँ इस अध्याय में कहते हैं वो आगे बताया जाएगा, उत्तरा अभिधास्ये, उत्तर का मतलब ये 5वां स्कंद है, 7वें स्कंद में इसका वर्णन किया जाएगा, यहाँ इतना ही कहते हैं। परंतु जिसके लिए भगवान प्रकट हुए उसके गुण क्या है, अब उनके गुणों का वर्णन करते लिखते लिखते हैं। पहले भगवान तदैतम रूपम महापुरुष गुण भाजनो महाभागवतो दैत दानव कुल तीर्थ करण शील चरित्र प्रहलादो। अब भगवान के प्रकट्य के लिए कौन से गुण चाहिए भक्त में, पहला है तदैत्य रूपम, ये तदैत्य रूप में नरसिंह देव के नरहरि रूप को कहा दैत्य रूप, दैत्य का प्रभुपाद ने शब्द अर्थ में लिखा है सुंदर, वैसे दैत्य कहते हैं प्रिय को, प्रिय होता है वो सुंदर होता है वही प्रिय लगता है, तो भगवान का ये सुंदर जो प्रिय रूप है ये किसके लिए प्रकट हुआ, तो कहते हैं महापुरुष गुण भाजनों, जिसके लिए प्रकट हुए वो महापुरुषों के गुणों से परिपूर्ण था, महापुरुष के उसके अंदर सारे गुण थे, महापुरुष गुण भाजनम। महाभागवतो, और वो महाभागवत था, उत्तम भागवत था, और उत्तम भागवत की परिभाषा क्या है, उत्तम भागवत किसको कहते हैं, जो अनंत कोटि जीवों को भगवान के शरण में लाए वो है उत्तम भागवत। ये हम जानते हैं महाभागवत की परिभाषा क्या है,
भक्ति रसामृत सिंधु में, उपदेशामृत में, भागवत में, चेतना चरितामृत में। महाभागवत की परिभाषा क्या है? अनंत लोगों को भगवान के शरण में लाए। तो यहाँ महापुरुष और महाभागवत प्रहलाद को कहा गया है, तो उनका मुख्य क्या कार्य है? कहते दैत्य दानव कुल तीर्थ करण। दैत्य दिति के पुत्र, दानव दानु के पुत्र, तो दिति और दानु दोनों कश्यप की पत्नियां हैं और इनके पुत्र दैत्य और दानव कहलाते हैं, जो असुरी प्रवृत्ति के हैं। उनका तीर्थ करण, तीर्थ करना का मतलब पवित्र करना, उद्धार करना, उन सब का उद्धार कर दिया। इतने बड़े असुर कुल का उद्धार कर दिया, ये है महापुरुष महाभागवत प्रहलाद, जिसके लिए भगवान ने नरसिंह देव के रूप में अति प्रिय, अति मनोहर रूप में प्रकट हुए। और एक विशेष चरित्र प्रहलाद का बता के फिर नाम लिखते हैं, शील चरितो। प्रहलाद महाराज का चरित्र कैसा है? शील चरित्र। शील किसको कहते हैं? जैसे हमारे गोस्वामी हैं, गोस्वामी छह हैं, उनके हम अष्टक में क्या पढ़ते हैं? धीर अधीर। क्या है ये लाइन, कोई पढ़े, याद है किसी को? धीर प्रिय प्रिय करो, धीर और अधीर, भले मानस हो या भले नहीं हो, लेकिन सबका हित करते हैं, इसको कहते हैं शील चरित्र। शील चरित्र वो है जो बच्चों को भी प्रचार करे प्रेम से, और बड़े से बड़े असुर हरणाकश को भी प्रचार कर रहा है। एक तरफ छोटे बच्चों को प्रचार कर रहा है, एक तरफ हरणाकश को प्रचार कर रहा है। तो ये शील चरित्र है कि सबके साथ भगवान की भक्ति का प्रसाद देने के लिए तैयार हो। प्रभुपाद का अद्भुत शील चरित्र है। कैसे पाश्चात्य देश के उन नवयुवक, एक तो तीन पीढ़ियों का तो उम्र में अंतर था, प्रभुपाद 70 साल के और वो 17 साल के, और उनका कोई सभ्यता नहीं, कोई आचरण नहीं वैष्णव का, उनके साथ प्रभुपाद ने कैसे स्नेह पूर्वक व्यवहार किया कि उनके जीवन में परिवर्तन लाए, इसको कहते हैं। ये शब्द प्रभुपाद जी के लिए भी कहें कि महापुरुष, महाभागवत और सारे विश्व के, जिसको पाश्चात्य देश तारणे, तो बहुत सभ्य शब्द लिखा चाहे जाए कि मलेच्छ यावन तारणम। इसका परिभाषा तो ये है कि जो लोग वैदिक संस्कृति से बाहर थे उनका उद्धार कर दिया। कैसे कर दिया? शील चरित्र से कर दिया। ये बहुत, और फिर एक शब्द नाम लिखते हैं प्रहलादो। कौन है वो? वो प्रहलाद है जिसके लिए भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए, प्रहलादो। प्रहलाद शब्द का अर्थ क्या है? प्रकृष्टेण आह्लाद, प्रकृष्टेण रूपेण आह्लाद, पूर्ण रूप से आनंद में हो और जो उसको देखे उसको भी आनंद प्राप्त हो। तो महा प्रहलाद के लिए अब ये गुण कैसे आए किसी में? महापुरुष कोई कैसे हो, महाभागवत कोई कैसे हो, सबका उद्धार करने वाला, सबको पवित्र करने वाला कैसे बने, शील चरित्र कैसे बने, उसके लिए मुख्य लाइन लिख रहे हैं, अव्यवधान अनन्य भक्ति योगे न। अव्यवधान, जिसमें कोई रुकावट न पड़े, कैसी भी परिस्थिति आए, प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, भगवान की भक्ति से तिल मात्र भी न हिले, उसको कहते हैं अव्यवधान। कोई रुकावट उसको रोक नहीं सकते, आंधी तूफान रोक नहीं सकती, पर्वत रोक नहीं सकते। जैसे गंगा नदी गंगोत्री से उतरती है और पर्वतों को चीरती हुई चली जाती है, कोई उसके रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकता है। जैसे प्रहलाद के रास्ते में कितनी रुकावट ने डालने का प्रयास किया गया, लेकिन उसकी भक्ति धारावाहिक चलती रही, इसको बोलते हैं अविभेदित। और अनन्य, अनन्य के दो अर्थ हैं, न अन्य और किसी का नहीं, एक भगवान का। क्योंकि जो भजन यहाँ शब्द है, भजन शब्द केवल भगवान से लगता है, तो केवल अनन्य भक्त भगवान। और भक्ति योगे ना, भक्ति योग के द्वारा
सह तदवर्ष पुरुषै उपासते इदं च उदारति। वो जिस लोक में रहते हैं हरि वर्ष में, उन लोक के सभी नागरिकों के साथ इस श्लोक के साथ भगवान नरसिंह देव की उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो हम दूसरा श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। ये श्लोक प्रहलाद महाराज की नरसिंह देव की पूजा का श्लोक है और ये श्लोक आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस श्लोक को सार्थक करें अपने जीवन में और यही प्रार्थना भगवान नरसिंह देव को करें। वैसे भक्ति के 64 अंगों में स्तव पाठ भी एक अंग है और स्तव पाठ का अर्थ है कि जो पहले महान भक्तों ने प्रार्थना की है उसका उच्चारण करें, वो सबसे महान है। और आज हमारे पास नरसिंह देव को प्रार्थना करने का, प्रहलाद महाराज का अपना ये प्रार्थना का मंत्र है जो आज कर रहा है। संकट में था तब नहीं कर रहा, नहीं आज अभी भी रोज कर रहा है, नित्य नित्य प्रार्थना कर रहा है इस मंत्र के साथ। और ये मंत्र बहुत अच्छा है। आज अगर इसको हम सार्थक कर रहे हैं, इसका अनुभूति कर रहे हैं और इसको याद भी कर रहे हैं तो हमारा निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। तो आइए इस मंत्र का पाठ करते हैं। ये श्लोक आज अगर आप घर में पढ़ लें तो अच्छा है। मैं इसका अनुवाद नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं तो आधा घंटा और क्लास दूँगे, फिर महाराज श्री प्रभुनाथ स्वामी महाराज आगे कथा को बढ़ाएंगे और इसलिए मैं सातवें स्कंद से एक ही श्लोक के ऊपर आपके साथ चर्चा करूँगा। अब प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं आप भी बोलिए। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्तेजस्तेजसे आविर आविर्भवा वज्र नखा वज्र दंष्ट्रा करमास्याम रंध्या रंध्या तमो ग्रस्स ग्रस्स ओम स्वाहा अभयम अभयम आत्मनि भूयश्च ओम क्षौरम। ये श्लोक बहुत अच्छा है, 8 नंबर श्लोक, 8 इसके बाद। ये है प्रहलाद महाराज की प्रार्थना। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, हम भगवान नरसिंह देव को सादर आदर पूर्वक प्रणाम करते हैं। पहला उनका गुण क्या लिखते हैं, नमः नमस्कार करते हैं, पुनः तेजस तेजस्वे। तेजस तेजस्वे का अर्थ क्या है, जो सब में शक्ति है उन सब शक्तियों से अनंत गुना अधिक शक्ति का स्वामी। जो तेज, जैसे हिरण्यकशिपु में कितना तेज था, हिरण्यकशिपु में कितना तेज था कि सारे देवता उसकी सेवा में खड़े होते थे, थर थर कांपते थे। और उस हिरण्यकशिपु को खेल खेल में जिसने समाप्त कर दिया, उसके तेज का क्या वर्णन करें। तेजस तेजस्वे, तेजस्वियों में जो तेज है उसका जो आधार है और उससे अनंत कोटि अधिक तेज, अनंत तेज जिसमें है उसको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। वैसे भी कहते हैं नमस्कार किसको करना चाहिए, जो शक्तिशाली है, जो रक्षा कर सके। वैसे नमस्कार भी शरणागत के अंतर आता है। ये नवदा भक्ति में नमस्कार वंदना की परिभाषा में आता है। वंदना भक्ति के 2 अर्थ हैं, नमस्कार और प्रार्थना। तो देखो इस प्रार्थना में नमस्कार भी है और वंदना भी है। तेजस तेजस्वे फिर कहते हैं आविर आविर्भाव। जैसे हम कहते हैं आज आविर्भाव तिथि है, आविर्भाव का मतलब हमारे मन में प्रकट हो जाओ, हमारे हृदय में भगवान नरसिंह देव आप प्रकट हो जाओ। तो भगवान कहते हैं क्या करूं आपके हृदय में प्रकट करके, समझो। तो कहते हैं
कर्मास्य, हाँ कैसे प्रकट, किसमें हो जाऊं, कैसे प्रकट हो जाओ? बोला वज्र नख वज्र दंष्ट्र, जो आपके नाखून वज्र जैसे हैं और जो आपको दांत वज्र जैसे हैं उनके साथ प्रकट हो जाओ, बड़ा भयानक उग्र नरसिंह के रूप में प्रकट हो जाओ। बोला करूं क्या? कर्मास्याम रंध्या रंध्या, ये कर्मास्याम का अर्थ है कि जन्म जन्मांतर के जो कर्म के वासनाएं हमारे हृदय में पड़ी है, जो हमको बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटका रही है ना, उनका नाम निशान मिटा दो। तो भगवान को प्रार्थना क्यों कर रहे हैं प्रहलाद महाराज? प्रार्थना कर रहे हैं उसका पहला उद्देश्य क्या है और हमको क्या कहना चाहिए भगवान को? कर्मास्याम रंध्य रंध्य, हमारे अंतःकरण में जो अनादि काल से कर्म की वासनाएं जिनके कारण भोग करके और जन्म जन्मांतर में भटकना पड़ता है, उन सबको समाप्त कर दो। प्रभुपाद जी ने कर्मास्याम शब्द के आधार पर एक श्लोक तात्पर्य में लिखा है, बोला कर्मास्याम नाश कर दो। बोलो ये कर्म की इच्छा आती कहाँ से है? उस जड़ को भी मिटा दो ना भी, कर्म की इच्छाएं करने की ये आई कहाँ से? बोला तमा तम से आई, अंधकार से आई, अज्ञान से आई। भाई जीवन में दुख का कारण बंधन अज्ञान है, तो अज्ञान से आई, अंधकार से आई, तमो से आई, तो तमो को ग्रस्त ग्रस्त, तमो को निकाल दो, तमो को हटा दो हटा दो। इसका मतलब जो अज्ञान हृदय में है उसको मिटा दो। हमारे हृदय से अज्ञान को मिटा दो। भगवान क्या करोगे क्या? मैं इतना इतना सारा मैं करूं, तुम क्या करोगे? नमस्कार करोगे केवल? बोला नौ ओम स्वाहा, मैं अपने आप को आपके शरण में अर्पण करता हूं। वैसे स्वाहा का अर्थ, वैसे तो स्वाहा का अर्थ प्रभुपाद ने शब्द अर्थ में स्वाहा का अर्थ बहुत सरल लिखा है, ओम स्वाहा रेस्पेक्टफुल ओब्लेशन, मतलब है कि बड़े आदर से हम अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। स्वाहा का मतलब अपने आप को भगवान को समर्पण करना। तो जब तक हम भगवान का शरणागत नहीं होते हैं, अपने आप को शरण, वैसे शरणागत की परिभाषा बोलनी है तो फिर बहुत सरल परिभाषा श्री भक्ति विनोद ठाकुर के शब्दों में है, क्या है? देहो मानस देहो गेहो जो कुछ मोर अर्पिलो तो आई पदे नंद, ये है ओम स्वाहा की परिभाषा। जो कुछ मेरा है भगवान आपके चरणों में अर्पण है। चाहिए क्या? हृदय के अंदर से वासनाओं को मिटा दो, अंधकार को हटा दो, अंधकार का पर्दा है उसको हटा दो। भगवान श्री कृष्ण अंधकार हटाने के लिए क्या कहते हैं चतुर्थ श्लोक की भगवद गीता में? तेषाम अहम अनुकंपा अहम अज्ञान यतम नास्यामी आत्म भाविस्तो ज्ञान दीपे न भास्वता। वही भाव है कि हमारे हृदय में प्रकट होके अज्ञान को, हम अपने आप से अज्ञान को नहीं हटा सकते। ये भक्ति का सिद्धांत है कि बच्चा अपने आप को साफ नहीं करता है, जन्म लेके माँ मलमूत्र साफ नहीं करता है, माँ साफ करती है। ऐसे भगवान हमारे माता पिता सब कुछ है, हमारे अज्ञान अंधकार को अविद्या को भगवान आप नाश कर दो। और हम सामान्य रूप से ओम अज्ञान तिमरांधस्य ज्ञान अंजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितञ्जना तस्मै श्री गुरवे नमः, तो भगवान का प्रतिनिधि भी हमारा अज्ञान नाश करता है। कैसे नाश करता है अज्ञान? रोज क्या पढ़ते हैं गुरु पूजा में? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय में देव। तो इसका अर्थ क्या मांग रहा है नरसिंहदेव से प्रहलाद महाराज? हृदय में कर्म की वासनाओं को मिटा दो और अज्ञान को हटा दो। ये दो काम हो जाएं तो प्राप्त क्या, हमारी स्थिति क्या होगी, हमको लाभ क्या होगा उससे? ओम स्वाहा कर दिया, अर्पण कर दिया, फिर कहता अभयम अभयम, हमें अभयदान मिल जाएगा, आप ये कर दीजिएंगे करेंगे तो हमारे भय से हम मुक्त हो जाएंगे। संसार में भय सबके पीछे लगा हुआ है, कोई निर्भय नहीं है। निर्भय वो है जिसने भगवान का शरण लिया है।
क्योंकि भगवान ने वचन दे दिया है, क्या नमे भक्त प्रणश्यति इति विश्वासो। भगवान आपने कहा है कि मैं भक्तों का रक्षण करता हूँ, इति समर्थ्य समर्थ्य, इसका केवल स्मरण करके, स्मरण करके द्रौपदी कहती है कि मैं प्राण को धारण करके रखा हुआ है, नहीं तो इस संसार में इतने संकट आते हैं प्राण नहीं बचा सकते। आपके वचन है कि भक्त के आप सर्वत्र रक्षक हो, तो हमारे को अभ्यदान दीजिए, भय से मुक्त कीजिए, भय से मुक्त कीजिए। और इस वक्त तो भोरी बड़ा भारी भय संसार के ऊपर कोरोना के संकट में आया हुआ है, ये महामारी मृत्यु का भय सबके ऊपर मंडला रहा है कि नहीं मंडला रहा है, ये तो कितना बड़ा भयानक स्थिति है, बड़ा दुख है कि भगवान का दर्शन करने नहीं जा सकते, ऐसा स्थिति है, मंदिर बंद है कि और क्या कर सकते हो, इससे ज़्यादा और कलिकाल का और क्या प्रभाव हो सकता है, असुरी प्रवृत्ति का और क्या प्रभाव हो सकता है। अरे हाथ में गंगा जल से धो के फिर मंदिर में प्रवेश हो करते थे, अब शराब से धो के मंदिर में जाना पड़ रहा है, महा पहले आओ बाहर अल्कोहल से हाथ धो जहाँ गंगा जल से पवित्र होकर स्नान करके अंदर जाना होता था, आचमन करना था, वहाँ अब अल्कोहल से आचमन करके जाना पड़ रहा है, क्या हो गया है। इतना तो हिरण्यकश्यप ने भी अन्याय नहीं किया था जितना इस कोरोना ने कर दिया है कैसी परिस्थिति बिगाड़ दी है। अपने सगे संबंधी बच्चे को भी बेटे को भी प्रेम से गले नहीं लगा सकते, दूर खड़ा हो जा और स्थिति ऐसी है कि किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, सामने आता है तो पता नहीं कोरोना लाया हो ना हो, डर लगता है, इतना भय है, इतना भय का वातावरण है, किसी के ऊपर विश्वास नहीं। तो निर्भय होना है तो नरसिंह देव को प्रार्थना करो, और अंतिम शब्द है ओम क्षौरम, ये बीज मंत्र है, ये नरसिंह देव का बीज मंत्र है ओम क्षौरम। अब ये श्लोक आज आप अध्ययन करें थोड़ा बैठ के, कि नरसिंह देव हमारे हृदय में प्रकट हो जाओ और हमारे हृदय से कर्म की वासनाओं को मिटा दो, अज्ञानता और अंधकार को मिटा दो, हमारे को अभयदान प्रदान करो, हम आपके शरण में हैं, ये है प्रहलाद महाराज की प्रार्थना। ये तो अपने लिए कहा है, लेकिन इसके बाद वाला श्लोक एक वैष्णव के चरित्र का सूचक है, उस श्लोक का पाठ करते हैं। आइए इसके बाद का श्लोक का पाठ कर रहे हैं, बहुत अच्छा श्लोक है, अति 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 सुंदर श्लोक है। नौ स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलौ प्रसीदताम्। इस प्रभुपाद जी ने इसके तात्पर्य में पहला श्लोक दिया है वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः कि ये है वैष्णव का चरित्र। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, ये एक भागवत भक्त का पहला हृदय का भाव है कि पूरे विश्व में मंगल हो, शांति हो, सुख हो, स्वस्ति हो, स्वस्ति का मतलब कल्याण, विश्व का कल्याण हो। ये प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है कि भगवान विश्व का कल्याण हो। बोला विश्व में तो बहुत बड़े बदमाश भी रहते हैं, बोला खलौ प्रसीदताम, जो खल है जो बदमाश है वो भी प्रकृष्टेण रूपेण शांत हो जाए, पूर्ण रूप से शांत हो जाए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं दो प्रकार के ईर्ष्यालु हैं, खल का अर्थ लिखा है ईर्ष्यालु, बोला दो प्रकार के ईर्ष्यालु होता है, एक तो है सांप ईर्ष्यालु जो बड़ा क्रोधी द्वेषी और ईर्ष्यालु है, उस सांप को मंत्र से या औषधि से शांत किया जा सकता है, परंतु जो व्यक्ति इंसान अगर ईर्ष्यालु है तो कोई औषधि नहीं, कोई मंत्र नहीं है, वो सांप से भी खड़े बहुत बड़ा भयानक है, खतरनाक है। तो उसके लिए प्रहलाद महाराज कहते हैं वो भी शांत हो जाए, खलो प्रसीदताम, खल प्रसीद,
हम भक्ति कैसे करेंगे अगर चारों ओर बदमाश होंगे तो भक्ति कैसे कर पाएंगे। हमारे लिए भी भक्ति करने के लिए ईर्ष्यालु लोग शांत होंगे तब हम सुखपूर्वक भक्ति करेंगे, नहीं तो रास्ते में रुकावटें डालेंगे। तो उनके लिए भी कल्याण की इच्छा करना, ये प्रहलाद महाराज के चरित्र में एक चीज़ जो सीखने की है हमारे लिए कि हमको भी जो दुख दें उनके भले का सोचो। ये प्रहलाद के चरित्र का सबसे अद्भुत और शिक्षाप्रद गुण है कि दुख देने वालों के लिए भी हित की कामना करो। ये है महाभागवत का चरित्र की चरम सीमा। विष्णु पुराण में लिखा है कि अभिचार किया संड और अमरक ने। अभिचार क्या किया? एक कृत्या बनाई। कृत्या कहते हैं राक्षसी बनानी, मंत्रों से कहा कि प्रहलाद को मार दो। कृत्या प्रहलाद के पास गई। प्रहलाद के हृदय में तो भगवान सुमरण चल रहा था, भगवान का सुमरण का आचार्य है प्रहलाद, सुमरण भक्ति का आचार्य है। उसके हृदय में तो भगवान विराजमान थे। कृत्या ने तो प्रणाम किया भगवान को, क्या कर सकती है, जहाँ भगवान है उसको कौन मारेगा। कृत्या वहाँ से वापस लौटी और जब वापस लौटी तो कृत्या का नेम है बनाने वाले, जिसने बनाई जिसको मारने के लिए बनाई वो नहीं मरा तो जिसने बनाई उसी को मारेगी, क्योंकि उसको मारना तो है किसी को। तो वापस आके छंड और अमर को मार दिया, छंड और अमर मर गए। प्रहलाद को इस बात की जानकारी हुई तो प्रहलाद ने घोषणा की, विष्णु पुराण में ये श्लोक है कि जिन्होंने मुझे पर्वत से नीचे फेंका, हाथी के पाँव के नीचे कुचलना चाहा, समुद्र में डुबाना चाहा, सांपों से कटवाना चाहा, आग में जलाना चाहा, उनके प्रति मेरे हृदय में मित्र भाव रहा हो, मैंने उनसे द्वेष न किया हो तो मेरे गुरु पुत्र जीवित हो जाए। ये प्रहलाद की प्रार्थना है कि जिन्होंने मुझे मारा उसके लिए मैंने बुरा सोचा ही नहीं, उनको अब मेरा हितेश ही सोचा तो मेरे गुरु पुत्र दोनों उठ के बैठ गए। और जैसे बैठ गए उठ गए वो तो प्रहलाद के ऋणी हो गए, वो फिर प्रहलाद के साथ कोई अत्याचार नहीं कर पाए कि यहाँ हमारा तो रक्षक है। और ये हरिदास ठाकुर के चरित्र में यही हमारे को मिलता है। 24 मार्केटों में कोड़े मार रहे थे जो यवन, तो कह रहा था भगवान इनके ऊपर दया करो, ये जानते नहीं हैं क्या कर रहे हैं, इनकी रक्षा करो। चैतन्य महाप्रभु तो क्रोधित होकर सुदर्शन चक्र लेके उन असुरों को वध करने के लिए आए, परंतु हरिदास तो प्रार्थना कर रहे थे मत मारो मत मारो। तो महाप्रभु ने कहा कैसे मैं अपने भक्त के वचनों का, वो कहता है मत मारो मैं इसको कैसे मारूं। तो महाप्रभु ने क्या कर दिया, अपने आप को हरिदास के ऊपर चादर की तरह ढक दिया। कोड़े लग रहे थे लेकिन हरिदास को पता ही नहीं लग रहा था। हनुमान की पूंछ जल रही थी लंका में, लेकिन हनुमान को लग रहा था किसी ने बद्रीनाथ में मेरे पूंछ के ऊपर बर्फ चपका दिए, आग उसका जला ही नहीं रही थी। क्यों नहीं जला रही थी? एक तो माता सीता कह रही थी मेरे पुत्र की रक्षा करना, अग्निदेव नहीं जलाना, और एक वायुदेव कह रहा था अग्निदेव तुम जलाते हो मेरी सहायता से, मैं तेरा सारथी हूँ, मेरे पुत्र की पूछ नहीं जलाना। तो वो तो अब कहाँ जले, नहीं जल रही थी। और यहाँ हरिदास ठाकुर को चोट लगी नहीं रही थी, वो मारने वाले मूर्छित होके गिर गए, मारने वाले मूर्छित होके गिर। तो हरिदास ने पूछा क्या आप, मैं क्या करूँ कि आपका हित हो। बोला हमारे को कहा है काजी ने वो नहीं मारेगा, आप नहीं मरोगे तो हमको मार देंगे। बोला कोई बात नहीं हम मर जाते हैं, तुम मत मारो। वो सो गए थोड़ी देर के लिए। और महाप्रकाश लीला में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास को कहा कि उस दिन मैं मारने आया था उन अत्याचारियों को, परंतु आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, मैं क्या कर सकता। महाप्रभु ने अपनी पीठ से ओतरी को दूर करके दिखाया, कोड़े के निशान महाप्रभु की पीठ के ऊपर थे।
तो भगवान भक्तों की कैसे रक्षा करते हैं। और प्रहलाद का ये चरित्र कितना अद्भुत है कि मारने वालों को भी तारने का विचार करता है। और ये भक्तों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण लक्षण है। प्रहलाद के लक्षणों से हमारा द्वेषी कोई है, हमारे से बुराई करता है, उसके भले के लिए सोचो। हमारी सामान्य हमारी भाषा में हम कहते हैं कोई आपसे दुर्व्यवहार करे, बुरा व्यवहार करे, तो पहले तो उसको क्षमा कर दो, क्योंकि क्षमा करना साधु का गुण है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमारे प्रचार करने में बहुत से लोग हमारे विरोधी हो जाते हैं, बहुत से लोग हमें दुख देना चाहते हैं, फिर हमारे पर तो हमारे को क्षमाशील और सहनशील होना चाहिए। तो पहले क्षमा करो, केवल क्षमा करोगे परंतु हृदय में उनके विषय में अभी भी बुराई पड़ी रहेगी तो आप शांति से भगवान का भजन नहीं कर पाओगे। क्षमा करने के बाद भूल जाओ, फॉरगिव और फॉरगेट, क्षमा करो फिर भूल जाओ। उसको हृदय में रखोगे तो भगवान कहाँ आएगा? जिस दिल में भगवान को बिठाना है उसमें उसको बिठाया है जिसको हम चाहते नहीं हैं। जो हमारे को बहुत बुरा लगता है उसको सारा दिन दिल में उठा के क्यों घूमते हैं? इसको देखूंगा ऐसे क्यों सोचते हो? उसको दिल से निकाल दो, तभी भगवान दिल में आएगा, नहीं तो कैसे आएगा। और तीसरा, पहले क्षमा करो फिर भूल जाओ, और फिर उसके लिए प्रार्थना करो कि भगवान ये बेचारा अज्ञानी अनजान मूर्ख है, इसको सद्बुद्धि दो, ये अपराध से बच जाए और जीवन सफल हो जाए। तो तीन स्टेप, भूल जाओ, हाँ क्षमा करो, भूल जाओ और प्रार्थना करो। और प्रभुपाद ये प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलो प्रसीदताम ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। ध्यायन्त भूतानि, सभी प्राणी एक दूसरे के हित की कामना करें। भगवान सभी मिथो धियान, मिथो का मतलब एक दूसरे की परस्पर हित की कामना करें। हम आपके हित का सोचें, आप हमारे हित का सोचें, ऐसा वातावरण हो। ये प्रहलाद महाराज का भाव है, विश्व में ऐसा वातावरण हो कि हम एक दूसरे के हितेशी हो जाएं। बोला उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मनश्च भद्रम भजताद अधोक्षजय, मन से उस अधोक्षजय भगवान का अगर भजन करेंगे तो हम एक दूसरे के हितेशी बन जाएंगे और बड़े बड़े ईर्ष्यालु भी शांत हो जाएंगे। आवेश्यताम नो मतिरपि अहितुकी, हमारी मति हमारी बुद्धि अहितुकी भगवान की भक्ति में लगी रहे और हम सबके हित का सोचें और असुरों का भी उद्धार हो, ईर्ष्यालुओं का भी उद्धार हो। ये प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं आज, ऐसे भक्त के गुण होते हैं तब भगवान का प्रकट्य होता है। और ये हर साल, कल हमसे किसी ने प्रश्न पूछा के भगवान हर साल क्यों मनाते हैं नरसिंह चतुर्दशी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद कहते हैं हम हर साल जन्माष्टमी मनाते हैं, गौर पूर्णिमा मनाते हैं, रामनामी मनाते हैं और नरसिंह चतुर्दशी मनाते हैं। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है, वो नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज के लिए प्रकट हुए, वो कृष्ण यशोदा और नंद को आनंद देने के लिए प्रकट हुए, वो राम कौशल्या और दशरथ को आनंद देने के लिए प्रकट हुए। परंतु वही भगवान हमारे हृदय में कब प्रकट होगा? तब हमारा नरसिंह चतुर्दशी होगी, तब हमारी रामनामी, तब हमारा जन्माष्टमी होगी। हर साल मनाते हैं परंतु हृदय को शुद्ध करें, हमारे हृदय में कब प्रकट होंगे भगवान? को हमारे हृदय में प्रकट होने के लिए प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। महाराज आप, मैं तो इसी पांचवें स्कंद का, फिर सातवें स्कंद को मैं हाथ ही नहीं लगाता हूँ आपके लिए। पाँच मिनट और बोलना है कि हमारा पूरा करें?
कब तक चलेगा क्लास? ओके, तो ये आज आप में से जिनके पास उपलब्ध है तो ये भागवत से तीन चार प्रार्थनाएं हरिवर्ष की पढ़ लो तात्पर्य के साथ। ये आपकी आज की मानो के नरसिंह देव की पूजा है, इसी से पूजा कर लो, क्योंकि जो पूजा प्रहलाद महाराज कर रहे हैं, जिससे नरसिंह देव प्रसन्न होकर प्रकट हुए हैं, वो अगर हम पढ़ लें, कम से कम अध्ययन कर लें, तीन चार और मंत्र हैं तो बहुत अच्छे अद्भुत हैं। और कई सालों से नरसिंह चतुर्दशी पे इन मंत्रों को पढ़ने में हमको बहुत सुख मिलता है। पहली बार पुणे में इन्हीं मंत्रों के ऊपर सत्संग किया, फिर जुहू में दो साल पहले इन्हीं मंत्रों को प्रायः बहुत बड़े, क्योंकि आज भी इसी जम्बू द्वीप में इन्हीं मंत्रों से पूजा हो रही है, जो हमारे लिए सत्ययुग में जो हो रही थी वो मंत्र हमारे पता नहीं चले ना चलें, ये तो चलेंगे, ये तो करंट करंसी है, अभी चलने वाले हैं। अब भागवत के एक श्लोक का सातवें स्कंद का पाठ कर लेते हैं, भगवान के प्रकट्य का। सात सात सत्रह ना, सात आठ सत्रह, एक मिनट देख लो मैं। नहीं सात नहीं, सात आठ सत्रह है शायद। सात आठ सत्रह, सात आठ सत्रह में भगवान नरसिंह देव के प्रकट्य का वर्णन है। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। बस ये लाइन एक सबसे मुख्य है, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। निज भृत्य का मतलब अपने स्वयं सेवक, जो मेरा अपना, भगवान जिसको अपना माने और जो अपने को भगवान का भक्त माने वो है निज भृत्य। भृत्य का मतलब सेवक, और हम सब भगवान के सेवक है, ये तो चैतन्य महाप्रभु ने हमको सिखाया है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तो हम सब सेवक तो हैं। तो निज भृत्य भाषितुम का मतलब जो भगवान का निज सेवक मुख से कहता है, भगवान उसको सत्य करते हैं। सत्यम विधातुम, सत्यम विधातुम का मतलब उसको विधाता, विधाता का मतलब जो कभी टाला ना जा सके। भक्त के वचन को भगवान कभी नहीं टालते हैं, सदा सत्य को सत्य करते हैं। एक लाइन में कम से कम आठ और इससे भी अधिक आचार्यों ने भाव दिए हैं कि किसके वचन को सत्य किया भगवान। बोला पहले तो प्रहलाद के वचन को सच किया, जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि तुम्हारा भगवान कहाँ है, बोला सर्वत्र है, बोला इस खंभे में है क्या महल के, बोला है, मुझे तो दिख रहा है। और इसके तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है, भगवान भक्तों को दिखता है, अभक्तों को नहीं दिखता है। और अभक्तों को नहीं दिखता है, उसके लिए प्रभुपाद ने भगवद्गीता से एक श्लोक उद्धृत किया है, ना हम प्रकाशति सर्वस्य योग माया समावृत। और भक्तों को दिखता है, उसके लिए ब्रह्मा संहिता से एक श्लोक लिखा है, प्रेमंजन चरित भक्ति विलोचने। तो भगवान भक्तों को दिखता है, अभक्तों को नहीं दिखता है, दोनों कारण दिए। और फिर प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए भगवान प्रकट हुए, ये तो हुआ एक। ब्रह्मा भी तो भगवान का महान भक्त है, भक्त क्या है, भगवान के अंग से उत्पन्न है, उसने जो जो वरदान दिया था हिरण्यकशिपु को उन सबको सत्य कर दिया। किसी माँ के गर्भ से तो पैदा हुआ नहीं नरसिंहदेव, न असुर के गर्भ से हुआ, न भक्त के गर्भ से हुआ, न पशु से हुआ, न मानव से हुआ, न तो जितने वचन जितने वरदान दिए थे ब्रह्मा, उसको भी तो सत्य कर दिया। तो ब्रह्मा भी तो भगवान का भक्त ही है ना, तो उसकी बात को भी सत्य किया। हिरण्यकशिपु भी तो भगवान का अपना भक्त है, दरबान है, जय है, और उसने अपने मुख से कह दिया कि ये प्रहलाद मुझसे मर नहीं रहा है,
लगता है इसके द्वेष के कारण मेरे को मरना पड़ेगा। भगवान ने कहा तेरी बात भी सत्य, करूंगा मार दूंगा, तुम तो मेरा ही भक्त है ना। ऐसे ये सब टीका में लिखे हैं। और चार कुमार भी तो भगवान के भक्त है, उन्होंने कहा तीन जन्म भगवान आप इनको ले के नहीं जाना है, उनकी बात को भी सत्य कर दिया। भगवद गीता में भगवान ने कहा है नवे भक्त प्रणश्यति, उस अपने वचन को भी सत्य कर दिया। और भी कुछ कारण लिखे हैं कि किस किस के वचनों को सत्य किया। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः। तो इस लाइन का अर्थ क्या होगा? व्याप्तम का मतलब सब जगह प्रेजेंट है, हर जगह भगवान, और अखिलेषु भूतेषु सभी प्राणियों में, कण कण में, अणु परमाणु में भगवान है। ये दूसरे लाइन का अर्थ है। इसका भाव क्या है? इसका भाव ये है कि आपकी रक्षा वो कर सकता है जो सब जगह हो, सब जगह हो, सब समय हो और सब में हो। आपका अपना घर का रिश्तेदार रक्षा नहीं कर सकता क्योंकि वो आपके साथ सब जगह नहीं हो सकता है। आपका धन आपकी रक्षा नहीं कर सकता क्योंकि सब जगह आपके साथ नहीं हो सकता है। तो रक्षा एक वो ही कर सकता है जो व्याप्तम च अखिलेश भूतेश भूतेशु अखिलेशु च आत्मनि, जो सर्वत्र हो वही आपका संरक्षण कर सकता है। तो ये है प्रहलाद के शब्द। प्रहलाद ने कहा भगवान सर्वत्र है, तो उस शब्दों का सत्य कर दिया। या इस श्लोक में ये भाव है। इसका अर्थ दूसरी लाइन का समझ में आया? हाँ, सबको समझ में आ रहा है। व्याप्तुम भूतेषु अखिलेषु च आत्मनि। अब तीसरा है प्रकट होने का लाइन। अदर्श्यत्त्य अद्भुतम रूपम उद्वहम, पढ़िए। अदृश्यत्त्य अद्भुत रूपम उद्वहम, अदृश्य प्रकट हुए, देखने में आए, अति अद्भुत रूप में, उद्वहम बाहर निकले, कहाँ से? स्तंभे सभायाम न मृगम च मानुषम। स्तंभे सभायाम, सभा के स्तंभ से निकले, न मृगम पशु नहीं थे, न मानुषम मानुष भी नहीं थे, इस रूप में प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए? अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए प्रकट हुए। सो प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं और नरसिंहदेव का प्रकट्य, प्रहलाद महाराज की इस चरित्र को चैतन्य महाप्रभु ने 100 बार सुना तोटा गोपीनाथ में। गदाधर जी से 100 बार सुना, और 18 साल चैतन्य महाप्रभु रहे जगन्नाथपुरी में। 18 साल में 100 बार सुनने में कितना टाइम, कितनी बार, हर 3 महीने में सुना, आप देख लेंगे, गिनती करके देख लीजिए। हर 3 महीने में प्रहलाद का चरित्र सुनते थे। कौन सी ऐसी बात थी जो भगवान सा, और एक सिद्धांत हम कल वहाँ क्लास में बताया ही था कि शिष्य गुरु की प्रार्थना करे, प्रणाम करे, महिमा गाए, ये तो उसका धर्म है। भगवान की भक्त बैठ के प्रार्थना करे, रक्षा के लिए प्रार्थना करे और क्षमा याचना मांगे, ये भी भक्त का धर्म है। भगवान को कहे क्षमा करना हमें अपराध की। परंतु ये प्रहलाद की चरित्र में बिल्कुल अद्भुत है कि गुरु नारद बैठ के अपने शिष्य की गुणगान कर रहा है। गुरु बैठ के अपने शिष्य का गुणगान कर रहा है, ये तो सारी कथा नारद जी बता रहे हैं जो गुरु है। और नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को गोद में उठा के कहा क्षमस्व मां, मुझे क्षमा करना बेटा, मेरे कारण तुमने बहुत कष्ट सहा है।
भगवान भक्त को कहता है मुझे क्षमा करो, ये प्रहलाद ऐसा भक्त है। क्षमस्व माम, पूरा श्लोक है मेरे ख्याल में नरसिंह पुराण में कहाँ है, क्षमस्व माम। कैसा ये अद्भुत भक्त है जिसका गुरु प्रसन्न होकर पूरी गाथा बता रहा है उसकी, और कैसा ये भगवान नरसिंह देव है जिसको ब्रह्मा शंकर और लक्ष्मी देवी शांत न कर पाई, और ये 5 वर्ष का छोटा बालक उसकी गोद में बैठा तो नरसिंह देव अति प्रसन्न हो गए और शांत हो गए, उग्र से एकदम शांत नरसिंह हो गए। तो चेतन महाप्रभु कहते थे प्रहलाद महाराज की जो भक्ति में अचलता है, हिलना नहीं है, इसका थोड़ा सा भी हमारे जीवन में सार आ जाए तो हमारी भक्ति इस जीवन में सफलता को प्राप्त करा सकती है। प्रहलाद महाराज के जीवन में जितने संकट आए फिर भी भक्ति में डटे रहे, अटल रहे, ये इसका थोड़ा भाव भी हमारे हृदय में आ जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। नरसिंहदेव महाराज की, श्री प्रभुपाद की, दाई गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्ण।